हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो ये वीडियो में आपको सोल का वेलकम टू पिकाडो की बेस्ट फाइट देखने को मिलने वाली है आज का, जिसमें से एक मैच में सोल ने 18 किल निकाला था मिरामर के मैप में, और आपको बेस्ट फाइट देखने को मिलने वाले पिकाडो में। सो वो मैच आप आगे देख सकते हो। गेम को प्राइस लेने का मौका मिलेगा तब हम वहाँ पर इस गेम को यहाँ पर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट इस समय अगर नियो की बात करें, नियो गॉब्लिन ओमेगा और अक्षत वेल यहाँ पर जो खेलते नजर आ रहे हैं, बट ए के प्रधान की बात करी जाए हाइड्रा सीक्रेट को पूरी तरीके से एलिमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल ऑफकोर्स वहाँ पे हाइड्रा के सीक्रेट को एलिमिनेट जरूर से करेंगे, बट अक्षत टोटली अपने मिनी 14 के साथ टैप टैप शॉट कंसिडर आउट करेंगे। एंड टीम सोल को अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें रशर, तो पहला जो प्लेयर्स है वेल वो किस तरीके से फाइट्स करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो कमिटमेंट है वो करते नजर आएंगे। लेकिन देखिए आसान यहाँ पर जो है नहीं रहेगा बिल्कुल भी, नॉट योर रियान को ऑलरेडी स्पॉट आउट कर लिया जाएगा। बट यहाँ गॉब्लिन विल डेट टेक केम अपनी एक केम के साथ, लेकिन दूसरी तरफ ओमेगा का भी एक शानदार ग्रेनेड विक्सन को पूरी तरीके से टेक डाउन करेगा। टीम सोल ऑल इन अटैक के साथ वेल पूरी तरीके से रशिंग करते नजर आएंगे और उनका रोल यहां पर बोला जा सकता है, और एक एक करके यहां पर जो फिनिशेस हैं वो निकालते नजर आ रहे हैं। टीम नंबर 10 के प्लेयर्स को ना एकमात्र इकलौता प्लेयर अभी के लिए यहां पर बचा है, और टीम सोल के प्लेयर्स इस फाइट को मुझे लगता है बहुत ज्यादा आसानी से अपने नाम जो है कर लेंगे। वेल ऑफ कोर्स टीम सोल के प्लेयर्स कोशिश यही करेंगे कि इस फाइट को यहां पे अपने नाम जरूर से करें। देखिए गॉब्लिन के हाथों में ग्रेनेड, ऊपर जाने की कोशिश, काफी शानदार ग्रेनेड, क्या कनेक्शन बनाएगा ये देखने वाली बात। प्रधान को वहां पे फिनिश ऑफ जरूर से किया है, बट के 47 रशर अभी भी एक सोलो प्लेयर, एक लौते प्लेयर हमें यहाँ पे सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं। अक्षत को टेक डाउन जरूर से करेंगे, एंड फाइनली अब मुश्किलें यहाँ पे इन प्लेयर्स के लिए, इन टीम्स के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाद में काफी अच्छी फाइट्स निकाली, वही टीम इस समय काफी प्रेशर में देखने को मिल रही है। वही हाइड्रा की बात करी जाए, उनके सीक्रेट को टेक डाउन किया जाएगा, बट टीम सी सोल यहाँ पे खुद भी काफी ज्यादा पनिश होती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं ओमेगा की बात कर लीजिए, चाहे दूसरे खिलाड़ियों की बात करिए, टीम सोल की तरफ से डेफिनेटली एक अच्छा चैलेंज ये पोज करते हुए देखेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट अक्षत, वे टू लो ऑन एज एचपी, बट अक्षत खुद को हील करते हुए देखेंगे। दूसरा फ्रैग भी निकल के आ चुका है। टीम सोल अपने दूसरे मैच के अंदर काफी ज्यादा बुरी तरीके से लेट्स से पॉइंट्स गिरते हुए देखे, बट एनीवे द गन गेम इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर। हालांकि वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, जिस तरीके से इस समय हाइड्रा होल्ड कर रही है डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज, बट गॉब्लिन की तरफ से काफी बड़ी गलती हो सकती थी, बिकॉज देखिए इजिली इनको टेकआउट किया जा सकता है। नियो ऑलरेडी लॉस में यहाँ पे जा चुके हैं, जो कि शायद हमें एक्सपेक्टेड नहीं था इस मोमेंट पे। गॉब्लिन वंस अगेन ट्राइज टू कैपिटलाइज, लेट्स टॉक अबाउट दिस अरीना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओमेगा की, इजिली स्पॉट किया, वेल लीजिए कूद के हाइड्रा यहाँ पे कहने के सुसाइड करती हुई दिखी। हाइड्रा डायनामाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज द गाय, ओके जैक्सन वाज द गाय, जो क्रॉस है वो करी जा चुकी है ओमेगा यहाँ पर ह्यूमनॉइड के काफी ज्यादा करीब। वेल यहाँ पर ह्यूमनॉइड को एक बार मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, 50% हीलिंग से ऊपर लाकर जो है खड़ा कर दिया। फिर डेट M762 ओमेगा यहाँ पर, वेल यहाँ पर जो फाइनली पहला नॉक अभी के लिए अपने टीममेट्स के लिए यहाँ पर जो निकालते नजर आ रहे हैं। नी उन्हें कंफर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी दिला दी है, और टीम TX तैयार है, रशर बिल्कुल रेडी है उस फाइट के लिए। एंड यहाँ पे अब जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, स्पेशली टीम्स रोटेटिंग अराउंड दोज क्लैशेस, टीम्स रोटेटिंग अराउंड दोज रीजंस। नियो ने एंटिटी के डार्क लॉर्ड को वहां पे एलिमिनेट किया है। पिकाडो में जंग यहाँ पे टीम सोल की शुरू होते हुए जरूर से नजर आ रही है। पिकाडो पे एक बार रुख करेंगे तो हमें जो डिफिकल्टीज है, धीरे धीरे करके जो चैलेंजेस है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ जरूर से नजर आएगा। गॉब्लिन नियो ओमेगा माइटी FFS फिलहाल के लिए जरूर देखने को मिलेंगे। एंड देयर यू गो गॉब्लिन, ये भी 45 के साथ क्लोज इन करेंगे 1v1 का सिनेरियो। शानदार अप्रोच एंड एक इजी अप्रोच के साथ टीम एक्स पार्क को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे टीम इनसेन की। पहले काफी ज्यादा अच्छी टीम है, इनसेन परफॉर्मेंस देने के लिए टीम जानी जाती है। वहीं पे हाइड्रा के सीक्रेट को टीम सोल के द्वारा घेर लिया गया है। टीम सोल 4 फिनिशर्स पॉइंट्स से शायद ये टीम खुश नहीं, 4 मैन स्टैंडिंग फिनिशर्स पॉइंट 20 टीम 77 प्लेयर्स, एंड स्टिल द क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ से आगे का मोमेंटम, यहाँ से आगे का सफर किस तरह से तय करके जाएंगे। एक अग्रेसिव इंटेंट, एक अग्रेसिव अप्रोच टीम सोल यहाँ पे देते हुए जरूर से नजर आएगी। गॉब्लिन नियो माइटी FFS 3 मैन स्टैंडिंग आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेनेड किया जाएगा ओमेगा की तरफ से, सीक्रेट वहाँ पे नॉक है, शायद पोजिशन जरूर से बता सकते हैं ओमेगा की, बट वही तरफ सस के पास एक अच्छा एंगल, एक अच्छा पोजिशन करके यहाँ पर रखा हुआ है, और ये 4v3 में अपर हैंड तो जरूर टीम सोल के प्लेयर्स के पास है, क्योंकि एक तो जगह भी है पिकाडो, और उसके बाद प्लेयर्स भी यहाँ पर जो है इनके पास ज्यादा है। कहीं ना कहीं कंपेयर करे जाए तो एक प्लेयर ज्यादा है, तो लेट्स सी टीम हाइड्रा किस तरीके से अपर फाइट्स निकालती है। क्या ये तीन प्लेयर क्या कुछ चमत्कार, क्या कुछ करिश्मा ऐसे में यहाँ पर कर पाएंगे जिसके चलते टीम सोल को काफी ज्यादा दिक्कत दे पाए।
ऑफ कोर्स कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे उनको दिक्कत देंगे या फिर खुद के लिए दिक्कत पढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात जरूर निकल के आती है। बट थोड़ी देर पहले अगर आप देख रहे हो सर, ये तीनों प्लेयर्स जो टीम हाइड्रा के नजर आ रहे हैं अलग कंपाउंड में थे, अब ऐसा समय आ गया है कि ये प्लेयर्स एक छत के नीचे हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी देर पहले फिनिशर्स पॉइंट भी नहीं थे, यहाँ पे 5 फिनिशर्स पॉइंट निकाल लिए हैं टीम सोल ने। टीम हाइड्रा के एक प्लेयर को यहाँ पे गवाया जरूर से है टीम हाइड्रा ने। एंड अब यहाँ से मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट होगा उस टीम पे जो टीम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन आउट करेगी। ओमेगा की बात करें, ये लीजिए ओपनिंग पिक निकालने की कोशिश में थोड़ा सा ओवर अग्रेशन, बट लकी इनफ रहेंगे, सस को टेक डाउन किया जाएगा। द बैकबोन ऑफ टीम हाइड्रा नीचे से गॉब्लिन ग्रेनेड कर रहे हैं, बट ऊपर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर। एंड फाइनली एकेएम के साथ द लीथल वेपन द फेवरेट वेपन ऑफ गॉब्लिन के साथ ऊपर जोर से जा जाएगा वापस से K47 को स्पॉट किया गया। FFS भी टिकन डाउन स्विच करेंगे इस कारल पे, पीछे से एक दूसरा प्लेयर आता नजर आएगा टीम सोल पे, कंडो की जिम्मेदारी। नियो एंड माइटी FFS भी टिकन डाउन एक के साथ क्लोजिंग करें, रीलोड पे आएगी वेपन। अगर आप रीलोड की वेपन देखें 8 बुलेट सिर्फ करने के गॉब्लिन के पास है, पोशन करेंगे गॉब्लिन आखिरी वेट करेंगे अलोंग साइड। यहाँ पर जो रैकर है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैनात है वो रहने वाले रहेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो फाइट से निकाली है इस टीम ने, जितनी तारीफ करी जाए कहीं ना कहीं उतनी कम है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर जो टीम सोल के जो प्लेयर्स हैं वो एक बार फिर से किल फीड में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और कल भी मीरामार का जो चौथा ही गेम था इन्होंने अपने नाम करा था और एक बार फिर से कुछ वैसा ही देख लिया। बट ये बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो तीसरी फाइट यहाँ पर पिकार्डो के अंदर, इससे समझ में आता है जो प्लेयर्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो इनक्लोजर करते नजर आ रहे हैं। नियो का एग्रेशन है वो इस समय यहाँ पर जो कम होने का नाम जो है नहीं ले रहा है। फिनिशर्स पे जो फिनिशर्स है ये टीम अभी के लिए यहाँ पर जो सिक्योर है वो यहाँ पर जो है करती हुई नजर आ जाने वाली है। बट एज ऑफ नाउ टीम नंबर 16 एक बार फिर से पूरी तरीके से यहाँ पर बोला जाएगा आउट नंबर्ड। और रीपर इस बार तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए सर्वाइवल करना ना थोड़ा सा यहाँ पर जो नामुमकिन है इनके लिए, एक छोटी सी गलती यहाँ पर जो एलिमिनेशन है वो फेस हो सकता है। अगर आप अभी देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफिकल्टीज काफी ज्यादा पड़ेगी। लिथियम स्पोर्ट्स के रीपर सोलो प्लेयर स्टैंडिंग है, जो कहीं ना कहीं इनके प्लेयर नॉक है, पेन काफी ज्यादा दूर नॉक है, रिवाइवल देने जा नहीं सकते हैं। टीम सोल वेल उनका जो भी कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे नजर आ रहा है। मोलोटॉव किया जाएगा रीपर के द्वारा, इससे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इनकी पोजिशन रिवील हो जाएगी। गॉब्लिन का यह जंप पूरी तरह से इनका में आउट नंबर है, इस बात को भी यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो ध्यान में है रखना पड़ेगा। और आरू बार बार बचे एकमात्र गोल्डन एचपी के ऊपर, और मुझे लग रहा है यूएमपी के साथ माइटी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कनेक्शन की दरकार है। बट फाइनली आज ओमेगा एक अलग रंग रूप में दिख रहा है। पिकार्डो पर भी फाइट से तो हमने देखा, हर एक फाइट में इन्होंने यहाँ पर जो दो दो नॉक्स है वो निकाले, काफी ज्यादा शानदार तरीके से यहाँ पर जो है बैटल के अंदर इन्वॉल्वमेंट ले रहे। बट गॉब्लिन ने फाइनली ऐसे में यहाँ पर वैक्सी को स्पॉट आउट करके जो डैमेज है वो काफी ज्यादा दिया। बट इन द एंड यहाँ पर जो नियो है वो फाइनल फिनिश यहाँ पर जो है लेते हुए, क्लैश होने के काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं। ये लीजिए एक्सप्लोजन काफी जल्दी होती है मेरा मार में, सिरिश ओमन इज नाउ ऑन गॉड मोड, रुकने का नाम नहीं ले रही है टीम सोल। 15 फिनिशर्स पॉइंट के करीब यहाँ पे आ चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैच खत्म होते होते 20 से 25 फिनिश पॉइंट ये टीम सोल इजिली यहाँ पे सिक्योर करिए। बट गॉब्लिन आते क्षण ही उनको जो है वांटेड की ग्रेनेड के साथ जो है टेक डाउन कर दिया जाएगा। बट नियो अभी के फिलहाल एफपीपी पे स्विच करेंगे, वांटेड को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि नियो इस पोजीशनिंग पर जो रुके हुए हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। बट फाइनली एक अच्छा नॉक निकालकर जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा हद तक रिलीज करेंगे, और एट द सेम टाइम एक नहीं दो दो नॉक यहां पर निकालेंगे। और टीम सोल एक बार फिर से अपनी जो गन पावर, अपना जो स्किल सेट, अपना कितना पोटेंशियल यहां पर कैरी करते हैं पूरी तरीके से देखिए यहां पर शोकेस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी यहां पर जो मदद है पीछे से टीम स्पाई के प्लेयर्स ने भी करी है, जिसके चलते ये टीम सोल के प्लेयर्स 3 फिनिशेस बहुत ज्यादा आसानी से अपने नाम सिक्योर कर चुके हैं। टीम मार्कोस इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पे, जगह 2v3 का मोमेंटम बरकरार होगा। गॉब्लिन आप आगे भी देखे पीछे भी देखे, क्योंकि आपके खुद के बिल्डिंग में एक 3-man स्टैंडिंग लाइनअप एंटर कर चुकी है, 6 टीम्स 19 प्लेयर। क्या टीम सोल की ये दुविधा यहाँ पे हल होगी, क्या टीम सोल चिकन डिनर निकाल पाएगी, दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ। सबसे टॉप फ्लोर पे दोनों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे अगर आप देखें तो कहने की टीम सोल के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, बट ग्राउंड फ्लोर की बात करें अगर तो वहां पे दोनों ही फ्लोर पे अलग अलग टीम्स 4-man स्टैंडिंग 3-man स्टैंडिंग नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पे चीजों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना सकते हैं। बट ये ग्रेनेड्स आई थिंक कनेक्शन नहीं बना रहे। फाइनली गॉब्लिन को इनसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, दूसरे प्लेयर आएंगे। गॉब्लिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक टीम नहीं यहाँ पे दो दो टीम है। थोड़ी सी कहने की नजर हटी एंड यहाँ पे दुर्घटना घटती हुई नजर आ रही है। चल देखिए अभी के लिए फिलहाल देखते देखते अभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा
टू प्लेयर्स इस समय यहाँ पर टीम सोल के यहाँ पर टेक डाउन है। माइटी को रिवाइवल दे पाना इस समय सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, बट एज ऑफ नाउ गॉब्लिन जैसे तैसे करके यहाँ पर एनक्लोजर करते नजर आएंगे। ओमेगा भी नीचे यहाँ पर सिमेट्री के अराउंड ऐसे में यहाँ पर टेक डाउन है, बट नियो अभी भी फिलहाल देखिए काफी ज्यादा दूर। गॉब्लिन यहाँ पर शॉर्ट लेने का जो प्रयास है वो काफी ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है, बट ये दो फर्स्ट एड लग पाएगी या नहीं? लेकिन जी नहीं, ये फर्स्ट एड नहीं लगेगी और टीम सोल पांचवे पायदान पर। तो कैसा लगा आपको सोल का ये वेलकम टू पिकाडो की फाइट आज का, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो का बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग, बाय।